Hey guys, welcome back to my channel Fashion Queen. This is Monika. Friends, आज मैं आप सबके सामने Philips Kerashine Straightner का रिव्यू करने वाली हूँ. Friends, ये मॉडल नंबर देख सकते हैं आप लोग HP 8318 है और इसका प्राइस भी 2995 रुपीज़ है. फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉस्टली है पर ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटर है. मैं आप सबको इसे खोल के दिखाती हूँ कि इसकी साइज क्या है और ये दिखने में कैसा है. बॉक्स को मैं हटा देती हूँ. फ्रेंड्स, इसके साथ आपको एक पेपर का यूज़र मैनुअल मिल जाएगा जिसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है. इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है पर मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसे यूज़ करना है. फ्रेंड्स, इसमें सिरेमिक्स प्लेट लगी हुई हैं जिससे बाल को स्ट्रेट करने पे वो जलते नहीं हैं. चलिए मैं इसे आपको यूज़ करके दिखाती हूँ. फ्रेंड्स, पहले आपको बालों में अच्छे से कॉम्ब कर लेना है ताकि बाल उलझे ना रहें तो अच्छे से स्ट्रेट होगा. ये देखिए, और आपको इसको लगाने के बाद कम से कम 30 सेकेंड तक रुकना है ताकि इसकी प्लेट्स गर्म हो जाएं. और इसके बाद हम थोड़ा सा सेक्शन लेंगे बाल का और उसमें ऐसे लगाने के बाद ऐसे हम प्रेस करेंगे. प्रेस करते हुए आपको इसे हाई और लो पे भी सेट कर लेना है. अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तो इसको आप थोड़ा सा लो करके यूज़ करें. फिर आप थोड़ा सा और सेक्शन लीजिए. आपको थोड़ा ही थोड़ा लेके करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है. और फिर से आप इसी तरह सेट कीजिए. बाद आपको तुरंत स्विच ऑफ कर देना है और जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक इसे बॉक्स में नहीं रखना है. आपको ऐसे ही रख दीजिए, जब ये ठंडा हो जाए तब यूज़ करिएगा.